चीटिंग हो रही है तो Hi guys, welcome back to my YouTube channel and welcome back to another vlog. Specs पहनने दो, intellectual लग लेते हो. Intellect होना चाहिए intellectual लगने के लिए, जो है नहीं. नहीं, intellectual होने के लिए specs होना चाहिए. Opposite है क्या? तो यार आज है 31st और जैसे मैंने last vlog में आपको बताया था कि चाचा का birthday और हम New Year Eve मनाएंगे, हटना. तो यार उसी का ये vlog है और I know आप सब बहुत enjoy करोगे कि हम तो party करने वाले हैं और आप लोग भी बताना क्या कर रहे हैं. ये हमसे छोटे भाई बहन ये सब क्या हरकतें कर रहे हैं यार, बताओ. रुक जाओ थोड़ी देर में, मिलते हैं. मिक्सी चल रही है. तो यार मिक्सी बंद हुई, यार हम वापस आ चुके हैं और अभी बहुत सारी चीजें चल रही है घर पे क्योंकि पार्टी की तैयारी हो रही है. और आई नो, आई एम श्योर आपको ये व्लॉग पसंद आएगा तो पूरा व्लॉग देखना. ओके, आप भी देखना. गाइस यहाँ पे दो व्लॉगर्स क्लैश हो रहे हैं, हम सेम कंटेंट रिकॉर्ड कर रहे हैं. यहाँ पे चाचा का बर्थडे है और अब यहाँ गुब्बारे फुलाने का कंपटीशन हो रहा है, देखते कौन पहले फुलाता है. 3, 2, 1 स्टार्ट तो बोला ही नहीं. चीटिंग हो रही है तो हंस दे चेहरे आनो, मतलब ऐ नहीं होता कि उन्हानो कोई तकलीफ. पहली झलक केक की आपके लिए एक्सक्लूसिव. इसके अंदर दिया होगा ना, हैप्पी बर्थडे. हाँ अंदर दिया जाए ना, बढ़िया लग रहा है यार केक, है ना. शर्म नहीं आ रही तुझे? अब मेरा काजल का कंपटीशन है यार, अब देखते हैं सारे अपने अंदर क्या लगा दूंगे. ठीक है, 1, 2, 3 चीटिंग करने की नहीं है भैया. साक्षी का नहीं, काजल का बड़ा हो रहा ज्यादा, अब देखते हैं. गांठ लगाने तक है, ऐसी नहीं. वेरी गुड. नहीं उस वही जीतेगा भाई जो गांठ लगा के नीचे रखेगा टेबल में. काजल से भी नहीं लगती साक्षी, तो अगर गांठ लगा देगी समझ जाए तो जीत गई फिर. नीचे भी रखनी है भाई. काजल गांठ लगा ले, बच्ची माँ लग गया. नीचे रखना है नीचे, जिसका कुछ नहीं होगा. नहीं दोनों का बराबर हुआ, लेकिन थोड़ा सा बड़ा बैलून जो है काजल का है, थोड़ा सा. देख लीजिए आप कमेंट में बता सकते हैं किसका बड़ा है. ये हमारी बहन यहाँ मजदूरी करते हुए. आपको क्या लगा था आप यहाँ आओगे बैठोगे खाओगे? पहले मेहनत करनी पड़ती है उसके लिए. जो खाना है पहले खुद बनाओ फिर खाना है. ऐसा हाँ. आइडिया किसका था, कौन बना रहा खिला रहा था और मेहनत मुझसे करा रहे हैं राहुल. देखो हम ना मेन शेफ है जो है ना, हम मेन शेफ है, हम सारा ऊपर ऊपर का काम करते हैं. ये जो छोटे मोटे काम होते हैं इनके लिए हमने असिस्टेंट रख रखे हैं, तो इसी बात पे ठीक से हाथ चलाओ. राहुल मेन शेफ है, मेन शेफ के नाम पे उसको एक चाय तक बनाने देते और सब कुछ देखो आता है, सब कुछ बना और उसे सीख रहा है और जानबूझ के अपना कमी छुपाने के लिए उसको बोल रहे हैं. भाई देखो जैसे तुम सक्सेस लेटर पर चढ़ते हो ना, तो जैसे जैसे ऊपर जाओगे तो आपके हेटर्स भी बढ़ते रहेंगे, तो वही उनमें से एक है मेरी मम्मी जिन्होंने अभी इतना ज्ञान दिया. गाइस ये तो मोए मोए हो गया राहुल का. मोए मोए बेचारा, अपनी तारीफ कराना चाहता था. सर आज पार्टी में पहली चीज जो पहली डिश है वो है पिज्जा और हम पिज्जा की तैयारी कर रहे हैं. अभी मैं ये पिज्जा बेस को प्रिक कर रही हूँ और उसके बाद हम पे ये पिज्जा. अगर आपको प्रिक का मतलब नहीं पता, जो कि मेरे को भी नहीं पता था, तो उसका मतलब होता है पिज्जा में छेद करना. ये पढ़े लिखे लोग ना. तो अभी ये सबको प्रिक कर रहे हैं. हमारे पास यहाँ पे चीज है और हमारे पास टॉपिंग्स है, स्वीट कॉर्न, कैप्सिकम है, अनियन है, टमेटो है और पनीर है. तो हम बस अब स्टार्ट कर रहे हैं और एक बार जब पिज्जा बनता है बीच में तब आपको दिखाते हैं. गाइस इसको अपना दुश्मन समझो और फोक घोंप दो. भाई ये ऐसा ह्यूमर है ना, डार्क ह्यूमर है गाइस. हाँ, इतना डार्क ही किसी को ना दिखे. तो मेरा पहला पिज्जा बन गया है और मतलब मैंने बना के रख दिया, बाद में बस इसको बेक करेंगे. और कैसा लग रहा है बताना. मैंने इसमें टमेटोज नहीं डाले, मेरे को अच्छे नहीं लगते इसमें टमाटर डाल के,
तो मैंने बाकी की टॉपिंग सोसाइड डाल दी। और वैसे तो अच्छा लग रहा है, चीजी चीजी सा लग रहा है। अब बनने के बाद बन रहे हैं कैसा बना है, तो जब एक बन जाए उसके बाद आपको दिखाती हूँ। जस्ट केक कट किया है और अभी बन रहा है पिज्जा। काफी टाइम लग रहा है बनने में, क्योंकि एक बार में एक ही बन रहा है पिज्जा। और बहुत टाइम लग रहा है, मेरे पेट के चूहे मर गए। मेरी आंखों के आगे मुझे ऐसे कच्चे कच्चे पिज्जा दिख रहे हैं, मन कर रहा खाने का, बट क्या कर सकते हैं। अभी इधर एक बन रहा है, उसके बाद हम जाएंगे ऊपर छत में। छत में आज बारबेक्यू लग रखा है, तो वेज नॉन वेज सब कुछ है। तो अभी ऊपर भी जाएंगे, सब कुछ डेकोरेट वगैरह भी कर रखा है, और उसके बाद थोड़ा नाच गाना होगा। तो यार मैं आ गई छत पे, और यहाँ पे स्पीकर लग चुका है और साथ में लाइटिंग भी हुई है। यहाँ पे बारबेक्यू लगा दिया है, वेज नॉन वेज के लिए सेपरेट और कुछ ऐसा है। और अभी सब आएंगे छत में, फिर स्टार्ट होगी पार्टी। और अभी तो बस मैं भी जा रही हूँ नीचे, पहले अपना पिज्जा भी देख लेती हूँ। पिज्जा रखी हूँ मैं नीचे, मेरे पता चला मैं पिज्जा जलता है। यार अब हमारे तंदूर वाली प्रिपरेशन चल रही है, ऊपर लगा रखा है वेज, और अभी नीचे हम थोड़ा थोड़ा चिकन को तंदूर कर रहे हैं, ओवन के अंदर पका रहे हैं ताकि ऊपर तंदूर में जल्दी पक जाए। और मैं दिखाती हूँ, यहाँ पे कुछ कबाब्स हैं। कौन कौन से फ्लेवर है? अरे ये तंदूरी नहीं है, तो सारे तंदूरी। साधु रात हो वो ऐसी रात, रख दिल पे हाथ, हम साथ साथ भाई। यहाँ आग लग गई बड़ी तेज, कहीं आग लग गई किसी घर में बहुत तेज। जनवरी लग गया है, अभी 2:30 बज रहे हैं। तो आपको और आपके परिवार को हैप्पी न्यू ईयर, और ये वाला साल आप सबके लिए बहुत अच्छा रहे, खुशियों से भरा रहे। और इस वाले व्लॉग को यहीं पे करते हैं एंड। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।